हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वेज बिरयानी बनाने के लिए मैं चावल ले लेती हूँ। इसके लिए मैंने 2 ग्लास चावल यूज़ किया है, ये बासमती राइस है। अब इस चावल में मैं पानी डाल दूँगी। इसके बाद इसे अच्छे से धुलकर मैं इसके पानी को निकाल कर इसे ढाँक कर छोड़ दूंगी। इसके बाद हम बिरयानी की रेसिपी में आते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी यूज़ किया है। जब हमारा घी गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा यूज़ किया है। जब जीरा मेरा हो जाए तो मैं इसमें 1 तेज़पत्ता यूज़ करूँगी। इसके बाद 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 5-6 दाने लौंग के यूज़ किए हैं। इन सबको डालकर मैं हल्का सा भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज कट करके रखे हैं, ये देखिए, ये मैंने 2 कटोरी इसमें प्याज यूज़ किया है। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। जब प्याज हमारा रेड हो जाए तो मैं इसमें वेजिटेबल यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने गाजर और शिमला मिर्च कट करके रखे हैं। इसके लिए मैं इसमें 2 कटोरी गाजर डाल रही हूँ। गाजर को डालकर मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारा गाजर हल्का सा फ्राई हो जाए तो मैं इसमें शिमला मिर्च यूज़ करूँगी। शिमला मिर्च मैंने 1 कटोरी यूज़ किया है। अब इसे डालकर अच्छे से चलाना है, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं नमक यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी सब्ज़ियों में नमक का टेस्ट आए। नमक डालकर इसे अच्छे से चलाना है। ये मेरा सब्ज़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है। हल्दी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्की सी, ताकि कलर अच्छा है। इसमें मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाला यूज़ किया है। इसे बिरयानी मसाले को डालकर अच्छे से मैं चला लेती हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ किया है, इससे हमारे बिरयानी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब इसे डालकर मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब ये चावल देखिए, चावल मैंने पानी अच्छे से सोख कर लिया है। अब इसमें मैं चावल डालकर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। चावल डालकर हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। चावल को फ्राई करने से दोस्तों चावल टूटती नहीं है और हमारे बिरयानी बिल्कुल अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं इसे डालकर अच्छे से चला लेती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी यूज़ करूँगी। इस बिरयानी रेसिपी में बनाने के लिए मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, इसलिए मैं इसमें 4 गिलास पानी यूज़ करूँगी। अगर आप कुकर में इसमें बनाओगे तो आप 3.5 गिलास ही यूज़ करोगे तो हो जाएगा। ये मैंने 4 गिलास पानी इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसे अच्छे से चलाकर ये देखिए, पानी चावल से ऊपर है, मतलब कि हमारा बिल्कुल सही अंदाजा से पानी डला है। इसमें मैं पिस्ता बादाम यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, इसे लंबे लंबे कट करना है। ये देखिए, मैंने इसे कट करके रख लिया। इससे डालने से हमारा बिरयानी थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये काजू है, इसमें मैंने 10-12 काजू यूज़ किया है।
ये पिस्ता बादाम जो मैंने कट करके रखा था मैं उसे डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें किशमिश, हाफ़ कटोरी किशमिश मैं यूज़ कर रही हूँ। किशमिश डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि उसमें मीठापन होता है। अब सब कुछ हो गया, मैं इसमें एक चम्मच ऊपर से घी यूज़ कर रही हूँ। इसे अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच नमक मैंने डाला है। आप स्वादानुसार अपने हिसाब से नमक यूज़ कर लेना। इसमें मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर पे सबको मीठा पुलाव पसंद है इसलिए मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा यूज़ की। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब ये बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से ढक दूँगी ताकि हमारा भाप बाहर की ओर ना जाए। और इसे एक बार जब ये उबल जाए तो इसे मैं गैस कम करके छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी होगा। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे पुलाव बने हैं। इसे चेक करने के लिए आप इसे चम्मच की सहायता से नीचे से ऊपर लाओगे। अगर इसमें पानी है तो फिर से आप इसे ढक कर इसे उबलने के लिए छोड़ दोगे। ये देखिए मेरे पुलाव में बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं है, मतलब ये अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल खिले खिले पुलाव बने हैं। इसमें मैं पनीर भी यूज़ कर रही हूँ। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया, बस ये देखिए ये गार्निशिंग भी हो जाएगी। इससे हमारा पनीर डालने से ये हेल्दी भी हो जाता है। इससे मैं चारों तरफ से, अब इसे मैं धीरे धीरे चलाकर पनीर को इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे फिर आप ढक कर छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। आप घर पर आराम से बनाकर खाकर बताओ और कमेंट करें कि ये